डॉक्टर प्रभात, मैं भक्त खांडी वलिद सर। बैठिए। नमस्ते सर, प्रभात सर के साथ आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? नहीं सर। तो बाहर जाने का कौन सी लीजिएगा? चल भाग यहां से, नेवता पूरा ही हो रहा है, यहां बाराते बंद कराया है। का जी, का एज हुआ आपका? सर 27। प्रॉपर एंट्रेंस देके मेरिट निकाले थे कि बाबूजी पैसा देकर सीट खरीदे थे? लयका मालिक बूढ़ दीवान, अब मामला बिगड़े सांझ बिहान। सर वो चुप, एकदम चुप। बोलने का परमिशन दिए हैं तुमको? पनिशमेंट ट्रांसफर हुआ ना तुम्हारा? नहीं सर, मैं बाय चॉइस आया हूं। तहसान किए हो? अरे वहां इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कैंप लगा हुआ है, आका तो वैक्सीन का लॉटे चोरी हो गया? चोरी नहीं हुआ है सर। शट अप। कितना में वैक्सीन मिलता है जानते हो? बाजार में 6,000 रुपया का मिलता है, और भी इसलिए काहे कि सरकार सब्सिडी देता है। तुम्हारे गलती के चलते 6,00,000 रुपया का नुकसान हो गया है। हमको लिखित में जवाब चाहिए। सर देखिए, वैक्सीनेशन मेरे पास नहीं है, मैंने सरकारी पेपर के हिसाब से तुम्हारे पास ही है, डिलीवरी वाला बजाबते रिसीविंग लिया है। जी सर, पर फिर मैंने आगे आगे जिसको दिए थे उसे हैंडओवर लिए थे? नहीं, हमको लिखकर जवाब चाहिए। गलती तुम्हारा है या उस नर्स का? सारी बात यहां दर्ज कीजिए। सर एक्चुअली मुझसे ही खो गई वैक्सीन, सॉरी आई लॉस्ट इट। तो इतना देर से यहां का सीट गर्म कर रहे थे? एक्सक्यूज मी सर। बस यही एक्सक्यूज मी और थैंक यू वेरी मच बोलते रहिए आप लोग। काम अब ना होगा आप लोगों से? ऐसा नहीं है सर, काम कर रहे। जब आया था पीएचसी की हालत बहुत खराब थी, कम से कम अब फंक्शनल कर दिया। अच्छा, तो कितना पेशेंट आता है आपके यहाँ रोज? 1, 2, 4? अरे ये रिकॉर्ड के हिसाब से तो 0 है। गर्गी जी, आप बताइए कि आप जब आई थी तो आपके पीएचसी का क्या हालत था? ठीक ही था सर। खराब, बहुत खराब। लेकिन आप ये सब बात नहीं बोलेंगी क्योंकि आप सरकारी व्यवस्था की समझ रखती हैं। अच्छा ये बताइए कि डेली लेवल पर आपके यहां कितना पेशेंट आता है? सर यही कोई 30-40। 30-40? आज 13 दिन में इनका अब तक बोहनीय नहीं हुआ है। चले हैं एक्सक्यूज मी बोलने। देखिए ये हवा हवाई से ना काम ना चलने वाला है। आज शाम तक आपको पहला वार्निंग लेटर भेज रहे हैं। आ काम में सुधार नहीं हुआ ना तो निलंबन के लिए तैयार रहिएगा। चलिए